नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। यूर वॉचिंग हेल्पलाइन प्लस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल वर्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क में हम एडिंग, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, एडवाइज डिवीजन, काउंट नंबर मैक्सिमम मिनिमम कैसे काउंट करें। सबसे पहले हम आते हैं एडिंग में। मैंने सारा सेटअप तैयार करके रखा है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पर एडिंग का तो ये रहा। एडिंग में सबसे पहले हमें करना क्या है, फार्मूला को क्रिएट करना है। इससे क्या होता है, फार्मूला क्रिएट करने से आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे फार्मूला हैं कि आप लोग याद कर कितने भी फार्मूला याद कर लो पूरी तरह से याद होने वाले नहीं हैं। बट फार्मूला अगर आप क्रिएट करना सीख जाओगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिचुएशन के ऊपर आप खुद से फार्मूला क्रिएट कर लोगे, चाहे कितने भी लंबे फार्मूला। तो चलिए, टाइम गवाए बिना डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं। ये रहा ई रो का सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करना है। तो बी का सेकंड कॉलम, ओके। तो हम जाते हैं इक्वल टू बी का सेकंड, ओके। तो इक्वल टू बी टू प्लस बी थ्री, बी बी का ये थ्री कॉलम है। इंटर देखिए दोस्तों, 1250 हो गया। अगर हम यहाँ पर, इससे फायदा ये है कि जैसे ही नंबर चेंज होंगे फार्मूला से, कुछ आंसर खुद ना खुद चेंज हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसके नीचे हो, ये कॉलम कहीं भी, ये आंसर कहीं भी हो सकता है इसके शीट में, बस फार्मूला चेंज। ये देखिए, ये फार्मूला है यहाँ पर, ये जो फार्मूला है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं भी, ओके। तो अगर हम यहाँ पर 250 की जगह 300 भी करते हैं, देखिए आंसर खुद को चेंज हो गया। अगर यहाँ 300 की जगह 100 करते हैं, देखिए आंसर खुद को चेंज हो गया। तो इससे ये फ़ायदा होता है तो फार्मूला से। तो चलिए, अब सेकेंड स्टेप सब्स्ट्रक्शन, घटाओ, माइनस कैसे करना। तो आप आते हैं इक्वल टू ई कॉलम के सेकेंड रो में, ई कॉलम के सेकेंड रो से माइनस करना है ई कॉलम के थर्ड रो को, ई कॉलम के थर्ड रो को 700, 1000 में से 300 हो गया 700। चलिए मल्टीप्लिकेशन में आते हैं दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा, ये स्टार कॉलम जो है, यहाँ पर जो स्टार कॉलम दिख रहा है आपको, ये जो स्टार कॉलम दिख रहा है यही होता है मल्टीप्लाई का शाइन। तो चलिए देखते हैं, इक्वल टू एच कॉलम का सेकेंड रो, एच कॉलम का सेकेंड रो स्टार एच कॉलम का थर्ड रो से 25, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं डिवाइड यानी भाग कर। अब हमें के कॉलम के सेकेंड रो से के कॉलम के थर्ड रो को डिवाइड करना है। तो इक्वल टू के कॉलम के सेकेंड रो से के कॉलम के थर्ड रो को डिवाइड करना है। 404 आ गया। 250 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 4 आएगा। अब दोस्तों काउंट नंबर करना है, ये काउंट करना है कि हमें कितना हुआ, ठीक है। ऐसा तो हम भी जहाँ रहे थे, बट अगर लंबी क्वांटिटी रही तो उतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं। बस सेलेक्ट आपको करना है और डायरेक्ट यहाँ पर आना है टूल बार में और यहाँ काउंट नंबर में क्लिक कर देना, आ जाएगा। या फिर फार्मूला अगर आपको देखना है तो ये देखिए, यहाँ फार्मूला है काउंट B8 से B15 तक, ठीक है। आप कहीं भी काउंट कर सकते हैं इसको। इक्वल टू COUNT कॉलम ओपन, बी कॉलम के एट रो से, बी कॉलम में फिफ्टीन रो से, बी कॉलम में फिफ्टीन रो से और ब्रैकेट बाय। देखिए आ गया, ये रहा मैक्सिमम का। मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब में मैक्सिमम कौन सा है, मतलब मैक्सिमम नंबर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम यहाँ पर 80 है, बट बहुत ज़्यादा अगर हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए है इक्वल टू MAX, बस इतना ही करना है। फिर ई कॉलम के एट रो से, ई कॉलम के एट रो से ई कॉलम के फिफ्टीन रो के बीच में, ई कॉलम के फिफ्टीन रो के बीच में
ठीक मैक्सिमम सर मिनिमम कौन सा है देख के छोटा सा मैं आप बता सकते हो, बट अगर बहुत लंबा रहेगा तो प्रॉब्लम आती है। इसके लिए फार्मूला बहुत ही बेस्ट है। अगर हम यहाँ पर 80 फार्मूला, अगर हम यहाँ पर 90 कर देते हैं मैक्सिमम में, या 90 करते हैं तो देखो दोस्तों 90 मैक्सिमम में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 105 करते हैं देखो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम 105 आ जाएगा। सर मिनिमम में है इसका 2 MIN ब्रैकेट ओपन, यह एच कॉलम के एट रोज से, एच कॉलम के एट रोज से, एच कॉलम के 15 रो तक मिनिमम कौन सा है दोस्तों, मिनिमम है 20। दोस्तों ये देखना है कि सीरियल वाइज कैसे जाना है, मतलब ए टू जेड, मतलब कम से मैक्स अधिक के क्रम में, जैसे 1 2 3 4। अब ये जैसे 80 60 52, कोई बड़ा है कोई नीचे कोई छोटा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं 200, फिर यहाँ कर देते हैं 5, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ये काउंट करना है, कैसे काउंट होगा ये आप देखिए। यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पर बुलेट डालेंगे, जिससे कि ये अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ इसके थ्रू ए टू जेड शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल से लेके लार्जेस्ट की हो, अगर आप शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट आप अगर यहाँ बुलेट डाल देते हैं तो हम यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देखिए हो गया और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखना दोस्तों। तो ये था आज का हमारा अध्याय। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल हुई हो। तो इस तरह से आप एक्सेल का यूज़ करके अपने डाटाज़ को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।